हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्यूरेटिव होम्योपैथी। जी हाँ दोस्तों, ये वो चैनल है जिसका एम है, मकसद है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2030। घर घर में हमें सेहत पहुंचाना है और सेहत पहुंचाएंगे होम्योपैथी के ज़रिए। तो आज का टॉपिक है डिसेंट्री यानी पेचिस। आमतौर पर जब हमें पेट में जब सूजन होती, दर्द होता है, आँव गिरती है, चिकने संडास होते हैं, खून जाता है, ये सब अलामतें हैं डिसेंट्री के। डिसेंट्री एक आम प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पे ये जो है वजह इसकी है कि हम कच्चा जो चीज़ खाते हैं, पकी भी नहीं होती जो चीज़, उसका सेवन करने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। पानी एक मेन वजह है। हमारे देश का प्रॉब्लम ये है कि पानी का सैनिटेशन जो होता है, सैनिटेशन का जो इशू है, पानी बराबर हमको मिलता नहीं, अच्छा पानी मुहैया नहीं होता है, साफ़ पानी नहीं होता है, और यही वजह मेन है बीमारी पैदा करने के लिए पेट की, ख़ास तौर पे डिसेंट्री की। हाँ, ये जो डिसेंट्री है ये 10% के अंदर जो है ये ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। आमतौर के ऊपर तो ठीक हो जाती है, क्रॉनिक नहीं होती, लेकिन 10% के अंदर ये एक्यूट से बार 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 होने वाली क्रॉनिक हो जाती है, और इसके वजह से कॉम्प्लिकेशन कुछ हो सकती है, जैसे कि HUS नाम की बीमारी है, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये बीमारी की वजह से मतलब कि इंसान की मौत भी हो सकती है। बहरहाल आमतौर पर नहीं होती है। बादशाह अकबर, मुग़ल के बादशाह, मरे तो इसी बीमारी से मरे। अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर 80,000 लोग इस बीमारी से मरे हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारी जो है, नेपोलियन की जो आर्मी हुई है वो इससे मरी है। तो इसको हम लोग आमतौर पर बहुत आसानी से लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि भाई इस आम बीमारी में आम इलाज क्या है। होम्योपैथी की जो आम दवाइयाँ जो आपको चुटकी के अंदर इस किस्म से यानी आपको रिलीफ दे सकती हैं। एक दवाई का नाम है मर्कसॉल। मर्कसॉल तब अलामतों के साथ दी जाती है जब सिम्टम्स और डिसेंट्री के साथ के अंदर आपको खून का करा ज़्यादा होता है। अगर आँव ज़्यादा होता है तो उस केस के अंदर हम लोग मर्कसॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये दो खास बीमारियाँ जो सिम्टम्स हैं, जो अलग दवाओं के लक्षण हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। और भी सारी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो लक्षण के हिसाब से ज्यादा, नक्सवमी का है और पल्सेटला है, बहुत सारी बीमारी, लेकिन ये आम जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक दवा ख़ास तौर पर स्पेसिफिक है। अगर आप होम्योपैथी के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो आप ये दवाई का सेवन कर सकते हैं। इसका नाम है होलेरियाना एंटी डिसेंट्री का। ये वो दवा है जो आप जो है क्यू पावर में यानी टिंचर के पावर के अंदर जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 10-10 बूंद दिन में 4 टाइम अगर आप इस्तेमाल किए तो फौरन ही आपके दस्त बंद हो सकते हैं, आपकी डिसेंट्री कंट्रोल में आ सकती है। तो दोस्तों, हमारा मिशन है कि घर घर सेहत, घर घर होम्योपैथी, इसी मिशन के तहत हम चल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसको आम करें आपके दोस्तों में, जानने वालों में, ताकि वो भी हमारे जो हमारा जो मिशन है उसमें हेल्प करें और हम लोग सेहत पा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल क्यूरेटिव होम्योपैथी को अभी सब्सक्राइब करें, और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें। साथ ही अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और डॉक्टर अनवर अंसारी से सीधे बात करके अपनी बीमारी का इलाज जानने के लिए आप हमारे नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।